बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें बीवी का टीवी। बीवी का टीवी पर आज पेश है वो जिन्हें हम कहते हैं सौंदर्य की देवी। जी हाँ, ऐसी खूबसूरती जो आज भी यादगार है, मधुबाला जिनका नाम। आज उनकी बायोग्राफी है, लेकिन उससे पहले एक आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियोस देखते हैं तो इन्हें शेयर भी कीजिए, क्योंकि बायोग्राफीज बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं, महीने भर में एक बन पाती है, तो सब तक पहुंचे तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। देखिए मधुबाला की ये बायोग्राफी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, एक ऐसी दिलकश मुस्कान जो वापस दिखाई नहीं दी, एक ऐसी नायिका जिसने हर किसी के दिल को जीता लेकिन अपने दिल को नहीं जीत पाई। वो थी सुंदरता की ऐसी मूरत जिसने भी देखा एक बार वो कभी भुला नहीं पाया। देश विदेश ने भी माना उनकी खूबसूरती का लोहा। वो थी एक लड़की भीगी थी। द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड, सौंदर्य की देवी जिसने सबके दिलों पर जादू कर डाला। शी इज नन अदर देन वीनस ऑफ द इंडियन सिनेमा, मधुबाला। जी नहीं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई एजेंसी नहीं जो चांद पर आपको हनीमून मनाने भेज सके। कहां से आ रहे हैं आप इतनी रात के? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? प्यार किया तो डरना क्या? मुझे मालूम था कि तुम आओगे, मेरी विपदा सुनोगे तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा, तुम्हारी आंखों से खून के आंसू बह निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मधुबाला का जन्म हुआ था 14 फरवरी सन 1933 यानी वैलेंटाइंस डे, और शहर था दिलवालों की दिल्ली। इनके बचपन का नाम था मुमताज जहान बेगम दहलवी। इनके पिता अत्ताउल्लाह खान और माता का नाम आयशा बेगम था। आयशा बेगम दिल्ली से संबंध रखती थीं और अत्ताउल्लाह खान साहब उस वक्त की ओल्ड पेशावर वैली से। मधुबाला अपने माता पिता की 11 संतानों में से 5 नंबर पर आती थी। इनके पिता पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे, यानी ओल्ड पेशावर वैली जिसे स्वाबी भी कहा जाता है। एक किताब भी है जिसमें इनका जिक्र है, किताब का नाम है स्वाबी की शख्सियत। इनके पिता शुरुआती दौर में एक ऐसे व्यवसायी के पास काम करते थे जिनका मिट्टी के बर्तनों का बिजनेस था, और ये बहुत से बेचने वालों के साथ मिलकर अक्सर रावलपिंडी और पंजाब के शहरों तक पहुंचा करते थे और मिट्टी के बर्तन बेचा करते थे। बाद में इनकी नौकरी लगी एक तंबाकू की कंपनी में, इंपीरियल टोबैको कंपनी पेशावर, लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी वो नौकरी छूट गई तो घर चलाना मुश्किल हो गया। आर्थिक समस्याओं के कारण फिर इनका रुख हुआ दिल्ली की तरफ। पूरे परिवार को लेकर अत्ताउल्लाह खां दिल्ली कूच कर गए, और दिल्ली पहुंचकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सबसे पहले रिक्शा चलाना शुरू किया। उन्हीं दिनों में अत्ताउल्लाह खां की मुलाकात हुई एक नजूमी से। नजूमी यानी ज्योतिष, भविष्य जानने वाला। उस ज्योतिष को कश्मीर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने मधुबाला के लिए भविष्यवाणी कर दी कि तेरी लड़की बहुत ही दौलत और शोहरत पाएगी, देश विदेश में इसका नाम जाना जाएगा, और मुमताज जहान दहलवी एक नायाब हीरा है जो धरती पर कम ही जन्म लेता है। उस नजूमी की बात सिद्ध हो गई। एक बार बेबी मुमताज यानी मधुबाला को दिल्ली आकाशवाणी केंद्र में जाने का मौका मिल गया। उस समय आकाशवाणी में बच्चों पर एक कार्यक्रम हुआ करता था जिसका नाम था निशाना और श्रृंगार। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते थे संगीतकार खुर्शीद अनवर। जिस दिन बेबी मुमताज का कार्यक्रम होना था उसी दिन संगीतकार मदन मोहन के पिता राय बहादुर चुन्नीलाल भी दिल्ली आए हुए थे।
उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम में इस दमकती सी अप्सरा बेबी मुमताज को देखा और इनसे बहुत प्रभावित हो गए। राय बहादुर चुन्नीलाल उस समय बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर हुआ करते थे और उन्हीं दिनों में बॉम्बे टॉकीज में फिल्म बसंत की तैयारी चल रही थी, जिसमें अभिनेता उल्लास के साथ मुमताज शांति नाम की एक्ट्रेस लीड रोल में थी और इस बसंत फिल्म के लिए वो एक छोटी सी लड़की की तलाश भी कर रहे थे। उन्होंने बेबी मुमताज को बहुत पसंद किया और सीधा मिलवाया बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से। देविका रानी ने जब नन्ही मधुबाला को देखा तो वो इनकी दीवानी हो गई और इस तरह से पहली फिल्म मिल गई मधुबाला को। बहनों और भाइयों, आज मैं आपकी सेवा में एक नई कलाकार पेश करती हूँ, मंजू। साल था 1942, फिल्म का नाम बसंत और ये फिल्म एक तरीके से इनके परिवार में बसंत बनकर आई, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति खराब हो और किसी को 150 रुपया महीना उस वक्त मिल जाए, वो परिवार खुश होकर झूमना ही था। परिवार में मानो बसंत आ गया। इस फिल्म में मधुबाला को ऐसी बालिका का रोल मिला था जो कि अपने अलग हुए माता पिता को करीब लाने का काम करती है। कितनी सुंदर हो बेटी तुम, कहते हैं बड़ी सुंदर थी मेरी माँ। इस फिल्म का एक गाना तो इतना हिट हुआ कि पूछिए ही मत। गाने के बोल थे, और यहाँ ये भी बात है कि ये गाना गाया मधुबाला ने। छोटे छोटे घर बा छोटी अंधेरिया छोटी सी बगिया रे। मधुबाला ने इसी फिल्म में एक और गाना गाया। गाने के बोल थे, गौरतलब ये भी है कि बसंत उस समय की यानी 1942 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। अब अताउल्लाह खान को लगा कि मुझे दिल्ली से मुंबई की ओर चला जाना चाहिए, तो पूरे परिवार को लेकर वो सीधा माया नगरी मुंबई में आ गए और आते ही भिवंडी में एक छोटी सी जगह पर रहने लगे मधुबाला के पिता और उनका परिवार। मुंबई आने के बाद तो अताउल्लाह खान साहब की सारी उम्मीदें नन्ही मधुबाला पर आकर ही टिक गई थी। उस वक्त मधुबाला की उम्र थी 9 साल और पिता अताउल्लाह खान के साथ काम की तलाश में वो अपने नन्हे कदम लिए स्टूडियो दर स्टूडियो चक्कर लगाया करती थी। वो दौर नन्ही मधुबाला के लिए संघर्ष वाले दिन थे। बेबी मधुबाला अपने पिता का हाथ थामे स्टूडियो दर स्टूडियो जाती रही। कई बार भूखों भी रहना पड़ा और कई रात सड़कों पर गुजार दी। आखिरकार उनकी ये मेहनत एक दिन रंग लेकर आई। रणजीत स्टूडियो के लकी हीरो मोतीलाल ने इनको एक जगह इंट्रोड्यूस करवाया। वहां पर नन्ही मधुबाला का मानो इंटरव्यू हो गया। इनसे पूछा कि क्या गाना गाना आता है, तब बड़े ही आत्मविश्वास से मधुबाला ने कह दिया, हाँ आता है। और इस तरह से गाना शुरू हो गया। मधुबाला ने गाते गाते अचानक गाना बंद कर दिया। संगीत साजिंदों को लगा कि शायद ये बच्ची हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर घबरा गई है। पर मुमताज जहान दहलवी दहली नहीं थी, वो तो असल में इसलिए रुक गई थी कि तबले और मुमताज की ताल नहीं मिल रही थी। तबलची परेशान हो रहा था, तब बेबी मुमताज ने डपट कर कह दिया, मैं जैसा गाती हूँ वैसी ही ताल आपको मिलानी पड़ेगी, मैं आपके तबले के हिसाब से अपनी ताल थोड़े ना बदलूंगी। आप लोग कलाइए तो और सुनाऊंगी गाना। और इस अंदाज के कारण ही इन्हें फिर रणजीत स्टूडियो में काम मिल गया और काम भी मिला तो पूरे 300 रुपए महीने की नौकरी पर। और इस तरह से 1944 में आई मुमताज महल और 1945 में धन्ना भगत फिल्म। 1946 में बेबी मुमताज की कई और फिल्में आई जिसमें पुजारी, फुलवारी और राजपुतानी नाम प्रमुख हैं। फुलवारी उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। और बाल कलाकार के रूप में अगर इनकी आखिरी फिल्म की बात करें तो वो थी राजपुतानी। उनके कई दोस्त भी बनते चले गए और उस समय दोस्त बनी थी बेबी महजबीन। बेबी महजबीन भी उस वक्त स्टूडियो के चक्कर काम की तलाश में लगाया करती थी।
और आगे चलकर बेबी महजबीन बन गई थी मीना कुमारी और बेबी मुमताज बन गई मधुबाला। गौरतलब ये भी है कि मधुबाला ने मीना कुमारी को हमेशा पसंद किया और मधुबाला का कहना था कि मीना कुमारी एक अनोखी आवाज की मल्लिका है जो किसी के पास भी नहीं है। मधुबाला के जीवन की गाड़ी फिल्मों में तो चल पड़ी थी पर संघर्ष की गाड़ी भी थमी नहीं थी। साल 1944 में हुआ डॉक पर धमाके वाला हादसा जिसकी वजह से इनका पूरा घर तबाह हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इनका परिवार वहां किसी लोकल सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया हुआ था। अताउल्लाह खान साहब की जीवन की पटरी थोड़ी संभलने ही वाली थी, लेकिन इतने बड़े हादसे ने उन्हें डगमगा दिया। इतना ही नहीं, मधुबाला ने अपनी 5 बहन और भाइयों को भी छोटी उम्र में ही खो दिया। मधुबाला की बहन भूषण ने ये बताया, जब कम उम्र में इनके भाई की मृत्यु हो गई थी तो इनके पिता अताउल्लाह खान साहब के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। मधुबाला के परिवार की स्थिति और दुखों ने मधुबाला को छोटी उम्र में ही ये एहसास दिला दिया कि तुम बड़ी हो गई हो और उनके परिवार का भरण पोषण अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। उनके पिता हमेशा से उन्हें रूढ़िवादी सोच के कारण घर में ही रखने की सलाह देते थे। स्कूल नहीं जा पाई तो क्या हुआ, लेकिन मधुबाला के पिता ने स्कूल को ही घर पर बुला दिया। मधुबाला की इच्छा थी कि वह अंग्रेजी सीखे, वैसे हिंदी और उर्दू बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन जब इंग्लिश में हाथ तंग लग रहा था तब पिता ने घर पर इंग्लिश की क्लास लगवा दी। ट्यूशन में इंग्लिश ऐसी सीखी कि इंग्लिश फर्राटेदार बोलने लगी और साथ ही इतनी होनहार थी कि 12 साल की उम्र में आते आते उन्होंने फर्राटेदार गाड़ी चलाना भी सीख लिया। यहाँ पर यह भी गौरतलब है कि जिम्मेदार आज्ञाकारी मधुबाला इश्क में भी पड़ चुकी थी। जी हाँ, दिल्ली शहर में जब थी तब इन्होंने अपना दिल दे दिया था और वो दिया था उस लड़के को जिसका नाम था लतीफ। मुंबई रवाना होने से पहले मधुबाला ने अपने उस आशिक को एक लाल गुलाब भेंट किया था। लतीफ ने वो गुलाब हमेशा अपने पास दिल से लगा कर रखा और आगे चलकर लतीफ बन गए एक IAS ऑफिसर। मुंबई में फिल्मों में काम मिलता चला गया। मधुबाला के पिता ही मधुबाला के बने मैनेजर और सौंदर्य की देवी वीनस के नाम से जानी जाने लगी मधुबाला। 14 साल की उम्र थी और बन गई सिल्वर स्क्रीन पर अभिनेत्री, लीड एक्ट्रेस, नायिका। लेकिन फिल्म मिलना इतना आसान नहीं था। उस फिल्म का नाम है नील कमल। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। ओरिएंटल फिल्म कंपनी अपनी पहली फिल्म बना रही थी, नाम था नील कमल। तैयारियां चल रही थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी बेगम पारा, जो कि दिलीप कुमार के भाई नासिर की पत्नी है, और कमला चटर्जी जो दूसरी अभिनेत्री थी। और कमला चटर्जी ने गुपचुप से शादी भी कर ली थी फिल्म निर्देशक केदार शर्मा से। लेकिन फिल्म में काम करने से पहले ही कमला चटर्जी बीमार होने लगी। इतनी बीमार हुई कि मौत के कगार तक पहुंच गई। तब उन्होंने केदार शर्मा से वचन लिया कि अगर नील कमल में मेरी जगह कोई भूमिका निभाएगा तो वो होनी चाहिए बेबी मुमताज। इस पर केदार शर्मा ने उन्हें वचन दे दिया। लेकिन रंजीत स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह को ये बात नागवार गुजरी। चंदूलाल शाह ने इनसे पूछ लिया कि फिल्म में कलाकार कौन कौन है। तब इन्होंने कहा कि राज कपूर, बेगम पारा और मुमताज। चंदूलाल शाह को ये लगा कि ये बात मुमताज शांति की हो रही है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि फिल्म में बेबी मुमताज को अभिनेत्री के तौर पर लिया जा रहा है और उनकी उम्र सिर्फ 14 साल है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और केदार शर्मा पर भड़कते हुए बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बच्ची को अभिनेत्री बनाओगे? तुमने मुझे धोखा दिया है। और केदार शर्मा ने कहा, मेरा विश्वास करें, ये छोटी लड़की भूमिका अच्छे से निभा लेगी। पर चंदूलाल ने चीखते हुए कह दिया, भाड़ में जाए तुम्हारा विश्वास और तुम मुझे मेरे 75,000 रुपए वापस कर दो। तब केदार शर्मा ने अपनी संपत्ति, बीवी के गहने और कीमती सामान गिरवी रखकर 75,000 रुपए चुका दिए और हमेशा के लिए रंजीत स्टूडियो से अलग हो गए।
लेकिन नील कमल का दिल में अभी भी ख्याल आ रहा था। और आखिरकार ये फिल्म बन भी गई और पहली बार बेबी मुमताज जहां दहलवी बनी मुमताज, और दुनिया के दिलों पर उन्होंने जादू कर डाला। ख्याल आया कहीं फूलों के साथ कांटे ना हो, इसलिए पंखड़ियां बिछाई जाएंगी। नील कमल फिल्म में मधुबाला के साथ बतौर अभिनेता नजर आए थे राज कपूर। शोमैन राज कपूर की ये पहली फिल्म थी। बावला है तेरा दिल, समझ पर पड़े हैं तेरे पत्थर। पत्थर घड़ने वाले, तू दिल की बातें क्या जाने। राज कपूर ने जब पहली बार मधुबाला को देखा तो वो भी देखते रह गए। राज कपूर कहते थे कि मधुबाला को खुद ईश्वर ने अपने हाथों से तराशा है। और ये बात सच भी है कि जैसे ही 1947 में नील कमल फिल्म प्रदर्शित हुई तो मधुबाला को लोगों ने देखा और देखते ही उनकी खूबसूरती में खो गए और इन्हें नाम मिल गया सौंदर्य की देवी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब केदार शर्मा ने पहली बार मधुबाला को देखा था तो वो देखते ही रह गए थे। और यहाँ ये भी गौरतलब है कि लेखक केदार शर्मा ने इस फिल्म की पटकथा तो लिखी लेकिन साथ साथ निर्माण और निर्देशन का काम भी किया, और उनका जो विश्वास था मधुबाला के हुनर और उनकी खूबसूरती पर वो सही साबित हुआ। मधुबाला दिखने में ही खूबसूरत नहीं थी बल्कि दिल की भी बहुत हसीन थी। कहा जाता है कि जब मधुबाला फिल्म के सेट पर होती थी तो हर किसी के चेहरे पर एक खुशी का आलम हुआ करता था, अजीब सा आकर्षण था, हर कोई उसमें कैद हो जाया करता था। और हंसमुख तो इतनी थी कि एक बार सेट पर हंसना शुरू कर दे तो उन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल होता था। नील कमल फिल्म में मधुबाला के अभिनय को बहुत सराहा गया। खुद फिल्म के लेखक निर्माता निर्देशक केदार शर्मा मधुबाला के लिए नील कमल की शूटिंग के दौरान हुए कुछ अनुभवों को हमेशा शेयर करते रहे। उनका कहना था कि मुझे न तो उसका रूप दिखता था और न ही उस लड़की की कच्ची प्रतिभा, मुझे तो उसके बुद्धिमानी और कठिन परिश्रम ने काफी प्रभावित किया। मधुबाला मशीन की तरह काम करती रही, बिना रुके बिना थके, कभी सेट पर खाना खाने से चूक जाती तो कभी मलाड से दादर थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठकर आती, लेकिन कभी लेट नहीं होती थी और ना ही कहीं पर एब्सेंट हुआ करती थी। इतनी सी कम उम्र में उन्होंने परिवार के पूरे कर्तव्य निभाए और एक आज्ञाकारी बेटी बनी। राज कपूर और मधुबाला की और आगे फिल्में जो आई वो थी चित्तौड़ विजय, दिल की रानी, अमर प्रेम और दो उस्ताद। नील कमल के बाद तो मधुबाला के पास फिल्मों की झड़ी सी लग गई थी, चित्तौड़ विजय, दिल की रानी और तीसरी मेरे भगवान। इस तरह से चार फिल्में 1947 में आई। 1948 में भी कई फिल्में आई जिनमें कुछ फिल्में फ्लॉप भी साबित हुई। रीजन थे इनके पिता। इनके पिता हमेशा हर फिल्म का चुनाव कर लिया करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है। और मधुबाला के लिए फिल्म में चाहे कैसा भी रोल हो, बस मौका मिल जाए, काम मिल जाए, फिल्म असफल हो या सफल हो इससे कोई लेना देना नहीं होता था। पर मधुबाला ने भी हार नहीं मानी, पिता के कहते वो फिल्मों में काम करती रही। और फिर आया साल 1949, बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी फिल्म महल, जिसके निर्माता थे फिल्म अभिनेता और निर्माता अशोक कुमार। इस फिल्म ने मधुबाला को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, यानी महल फिल्म में बनकर वो आई महलों की रानी। हालांकि इस फिल्म के लिए पहले सुरैया का चुनाव हुआ था, पर स्क्रीन टेस्ट जब हुआ तो मधुबाला को सेलेक्ट किया निर्देशक कमाल अमरोही ने, और रहस्य रोमांस से भरी ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसी के साथ बॉलीवुड में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों का दौर शुरू हो गया। और 1949 में आई इस फिल्म महल के साथ ही इनका नाम भी बदल दिया गया, मुमताज से बन गई ये मधुबाला, और मधुबाला नाम ऐसा पड़ा कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और इसी के साथ ये 1950 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई। मैं पहल नहीं, हकीकत हूँ, मुझे छूना मत। फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने मधुबाला को ही नहीं बल्कि निर्देशक कमाल अमरोही और लता मंगेशकर को भी फिल्मों में स्थापित कर दिया। इस फिल्म में गीत था आएगा आने वाला, जो आज भी बहुत पसंद किया जाता है।
महल फिल्म की कामयाबी के साथ ही मधुबाला की जिंदगी में एक और कस्सा जुड़ गया। जब महल फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब कमाल अमरोही और मधुबाला के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। गौरतलब बात ये भी रही कि अताउल्लाह खान साहब इस बात से वाकिफ थे और उन्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं था। कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे पर मधुबाला अपना रिश्ता किसी और पत्नी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। वहीं कमाल अमरोही भी अपनी पत्नी महमूद को तलाक नहीं दे पा रहे थे और इसी कश्मकश के बीच मधुबाला और कमाल अमरोही का प्यार परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गया। 1949 में फिर मधुबाला की दौलत और अपराधी फिल्म आई। 1950 से 51 के बीच परदेश, निशाना, हंसते आंसू, बेकसूर, मधुबाला, तराना, नादान, बादल ये फिल्में आई। वहीं 1952 से 54 तक साकी, संग दिल, रेल का डिब्बा, अरमान जैसी कई फिल्मों में इनका अभिनय काबिले तारीफ रहा। मधुबाला ने अपने अभिनय और सौंदर्य के ऐसे ऐसे करिश्मे पेश किए कि नीलकमल फिल्म बनते समय मधुबाला को लेने से जो नाराज थे चंदूलाल शाह, उनको भी इनकी प्रतिभा का एहसास हो गया था। 75,000 रुपए वापस मांगने वाले चंदूलाल शाह मधुबाला के सौंदर्य और प्रतिभा के ऐसे कायल हुए कि उन्होंने मधुबाला के नाम से ही फिल्म बना डाली मधुबाला। यही नहीं, मधुबाला की फिल्म हंसते आंसू भी अपने आप में एक कमाल का किस्सा लिए हुए। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली ए सर्टिफिकेट पाने वाली फिल्म थी जिसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया और कहा ये एडल्ट फिल्म है। इस फिल्म में अभिनेत्री थी मधुबाला और फिल्म जब रिलीज हुई तब मधुबाला को ये फिल्म देखने से रोक दिया गया क्योंकि कहा गया आप नाबालिग हैं, अभी आपकी उम्र सिर्फ 17 साल है, आप ये फिल्म नहीं देख सकते। मधुबाला के चर्चे ऐसे थे कि हर कोई निर्देशक उन्हें फिल्मों में लेना चाहता था, कोई भी अभिनेता उनके साथ काम करने को बेताब रहा करता था। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड भी मधुबाला की खूबसूरती से अछूता नहीं रहा, उन्हें बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो भी कहा जाने लगा। वहीं वो पहली ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री बनी जिन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में बोल्ड फोटो शूट भी करवा लिया और सिनेमा की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ डाला। जब जाने माने फोटोग्राफर जेम्स बर्क ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने मधुबाला की बहुत सी तस्वीरें खींच डाली और अपनी लाइफ मैगजीन में उसे प्रकाशित किया। मैगजीन में इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र हुआ और लिखा गया द बिगेस्ट स्टार मधुबाला। और 1952 के अगस्त में थिएटर आर्ट्स मैगजीन में पूरे पेज पर मधुबाला की तस्वीर छपी और तस्वीर के साथ शीर्षक दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा सितारा जो बेवरली हिल्स में नहीं है। हॉलीवुड के निर्देशक कापरा मधुबाला की खूबसूरती को देखकर अचंभे में पड़ गए पर मधुबाला की जिंदगी और करियर में तो अताउल्लाह खान सबसे बड़ा नाम थे। उन्होंने हॉलीवुड के लिए मना कर दिया और वहीं ये कहते हुए मना कर दिया कि मधुबाला को छुरी और कांटे से खाना नहीं आता, इसलिए वो विदेश नहीं जाएगी। मधुबाला जहां अपना लोहा दुनिया से मनवा चुकी थी वहीं वो अपने अंदर एक साधारण सा जीवन जीती थी। मधुबाला कहती थी मुझे नहीं पता कि पैसा कहां खर्च करना है, मुझे ज्वेलरी और कपड़ों का शौक कभी नहीं है, मैं घूमना फिरना पसंद नहीं करती, न ही बाहर आती जाती हूँ, ऊपर वाले की कृपा से जीवन की सभी खुशियाँ अपने घर में ही पूरी हो जाती हैं और मैं यहीं पर खुश हूँ। मधुबाला का मन भी उनकी खूबसूरती की तरह बिल्कुल पाक था। 1950 में मधुबाला ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए उस वक्त 50,000 रुपए का दान दिया था। 1950 में मधुबाला ने फिल्म बादल भी साइन की थी, इसमें उनके अभिनेता थे प्रेम नाथ। शूटिंग के दौरान ही इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। उस समय मधुबाला का करियर टॉप पर था, उन्होंने प्रेमनाथ से दिल से प्यार किया था और प्रेमनाथ का भी मधुबाला पर अगाध प्रेम था। ये प्रेम इतना गहरा हो गया था कि प्रेमनाथ को निर्देशक अगर किसी फिल्म में लेना चाहते थे तो बस एकमात्र सिफारिश मधुबाला की चाहिए होती थी और प्रेमनाथ वो फिल्म कर लेते थे। ये उनका प्रेम विश्वास था और ये दोनों शादी भी करना चाहते थे पर धर्म अलग अलग होने से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आगे चलकर प्रेमनाथ ने उस समय की मशहूर अभिनेत्री बीना रॉय से शादी कर ली थी। इस बात से मधुबाला को गहरा सदमा लगा और सदमे में वो प्रेमनाथ को कह बैठी मेरे प्यार की तुमने उपेक्षा की है, प्रेम विवाह कर रहे हो, तुम्हारा ये विवाह कभी सफल नहीं होगा। और हुआ भी यही, प्रेमनाथ और बीना रॉय की कभी
पटरी नहीं बैठी और प्रेमनाथ भी मधुबाला को बहुत याद करते रहे, बहुत शराब पीने लगे। और जब मधुबाला को यह पता चला कि प्रेमनाथ शराब पीने लगे हैं, तब दिल की खूबसूरत मधुबाला ने कह दिया, प्रेम आज के बाद अगर तुमने शराब पी तो मेरा खून पियोगे। प्रेमनाथ ने 14 साल तक उसके बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाया और फिल्म बादल से प्रेमनाथ उनकी जिंदगी में आए और फिल्म साकी वो फिल्म थी जिससे वो लौट गए और उनका ये रिश्ता सिर्फ 6 महीने चल पाया। लेकिन यहाँ ये बात है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। 17 साल की मधुबाला का दिल टूट तो गया था पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक नई सुबह के साथ उन्होंने नई जिंदगी की फिर से शुरुआत की और अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हो गई। मधुबाला की खूबसूरती के लिए कहा जाता था कि वो इस कदर खूबसूरत थी कि शब्द में बयां कर पाना मुश्किल है। मुझे तो यहाँ कोई खूबसूरती नजर नहीं है। आप मेरी निगाहों से देखिए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उस समय के कैमरों से मधुबाला की खूबसूरती का सिर्फ 2% हिस्सा यानी 2% पार्ट ही हम देख पाए। असली खूबसूरती का 98% वो कैमरा दिखा ही नहीं पाए। मधुबाला उस वक्त लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण थी। शूटिंग के वक्त लोग फाटक तक में अपने आप को फंसाने के लिए तैयार हो जाते थे, बस एक झलक मधुबाला की दिख जाए। बॉडीगार्ड रखने का फैशन मधुबाला ने ही चलाया था और सबसे पहले उन्हीं के लिए बॉडीगार्ड रखे गए थे। एक वक्त ऐसा आया जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बाला साहेब ठाकरे ने मधुबाला को देखा तो वो देखते ही रह गए और उनके भी मुंह से निकला, खूबसूरती इतनी भी ज्यादा हो सकती है क्या, आज तो मेरा दिन बन गया। और ऐसा ही कुछ शम्मी कपूर के साथ भी हुआ। उन्होंने फिल्म रेल का डिब्बा में मधुबाला के साथ काम किया था और जब शूटिंग शुरू हुई तो मधुबाला को देखकर डायलॉग्स भूल जाते थे शम्मी कपूर। मधुबाला को भी ये बात पता थी और वो बड़ी सादगी के साथ शम्मी कपूर की मदद किया करती थी, पर शम्मी कपूर उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हुए जा रहे थे और उनसे एक तरफा प्यार करने लगे थे। इतना ही नहीं, शम्मी कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में लिखा है, मैं ये जानता था कि मधु किसी और के प्यार में है लेकिन उसके बाद भी मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत औरत कभी देखी ही नहीं। मधुबाला अभिनय के लिए इतनी समर्पित थी कि 1954 में जब मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय विराज बहू बनाने की योजना बना रहे थे तो मधुबाला को वो इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन मधुबाला की हाई प्राइस रेट को देखकर उन्होंने अपना यह ख्याल दिल से निकाल दिया और उस समय की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कामिनी कौशल को फिल्म में साइन कर लिया। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक को कहा, मैं आपकी फिल्म में साइनिंग अमाउंट सिर्फ 1 रुपए लेकर भी इस फिल्म में काम करने को तैयार हो सकती हूँ। लेकिन इस फिल्म में मधुबाला ने काम नहीं किया था। मधुबाला को निर्देशक और अभिनेता ही पसंद नहीं करते थे बल्कि गीत लिखने वाले और गीत गाने वाले भी उनके दीवाने थे। उनके दीवानों में आशा भोसले, लता मंगेशकर भी नाम आते हैं। मधुबाला पर फिल्माए गए ज्यादातर गाने इन्हीं ने गाए हैं। मधुबाला का एक और दिलचस्प किस्सा है फिल्म साकी का। उस फिल्म के दौरान इनको डांस सिखा रहे थे नृत्य सम्राट गोपी कृष्ण। वो एक बहुत ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण रहे लेकिन वो भी मधुबाला के हुस्न की चपेट में आए बिना नहीं रह पाए। उनका मधुबाला से कोई प्रेम संबंध नहीं था लेकिन फिल्म में जब डांस सिखा रहे थे तो वो इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। ब्रेक में जब मधुबाला ने उन्हें नाश्ता ऑफर किया तो मधुबाला को देखते देखते ही इतने अभिभूत हो गए कि चिकन और मटन भी खा गए। नॉनवेज तो खा चुके थे लेकिन उन्हें पता नहीं था। जब सेट पर कुछ लोगों ने मधुबाला से पूछा कि आपने उन्हें क्या खिला दिया, तब मधुबाला ने मासूमियत से कहा कि जो मैंने खाया वही उन्हें खिलाया। तब नॉनवेज का गोपी कृष्ण को पता चला तो वो बेचैन हो उठे और मधुबाला को ये सोचकर बहुत रोना आने लगा। वो कहने लगी कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मधुबाला बहुत ही नरम दिल की अदाकारा रही हैं। मधुबाला के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि वो अपने वक्त की बड़ी पाबंद थी। वो कभी भी सेट पर लेट नहीं पहुंचती थी। अगर शूटिंग शुरू होने में भी थोड़ी देर है तो वो सेट पर ही इधर उधर घूमा करती थी।
और अगर कोई उनसे कहता कि मैडम आप जाकर कमरे में आराम कर लीजिए, तब वो कहती थी कि क्या मेरी आदत बिगाड़नी है, मैं तो ऐसी हूँ ऐसी ही रहूंगी। स्वाभिमान की ऐसी खरी थी मधुबाला कि एक बार जब फोटोग्राफर धर्म चोपड़ा ने 12 फोटो खींचकर मधुबाला को गिफ्ट की, तब मधुबाला ने मुफ्त में लेने से इनकार कर दिया। उनसे पूछा कि कीमत बताइए। धर्म चोपड़ा ने मजाक में कह दिया, देना ही है तो हर एक फोटो का 100 रुपए देने होंगे। मजाक पूरा भी नहीं हुआ था कि मधुबाला ने उन्हें 1200 रुपए गिनकर पकड़ा दिए। ये थी मधुबाला की खासियत। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि मधुबाला को जानवरों से बड़ा लगाव था। वो डॉग्स को पालने की बड़ी शौकीन थी। उन्होंने अपने घर में 18 डॉग्स को पाल रखा था। साल था 1954 और फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम बहुत दिनों। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला को खून की उल्टी हो गई, जिसकी खबर आग की तरह पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। हालांकि मधुबाला के बेहतरीन अदाकारी और काम के प्रति लगन ने लोगों के हर सवाल का जवाब बिना कुछ कहे दे दिया था। वो अपनी लगन से बिना कुछ कहे अपना काम करती रही, लेकिन इसके बाद इन्हें बॉक्स ऑफिस पॉइजन का लेबल मिल गया। इसके साथ ही इनकी बीमारी भी बढ़ती रही। 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 ने तो कमाल ही कर दिया और मधुबाला को और हाइक दे दी। ये फिल्म इनकी गुरुदत्त के साथ की ऐसी फिल्म थी जो कि आज भी यादगार है। इसमें इनका अभिनय इतना कमाल का रहा कि लोग देखते ही रह गए। आगे चलकर मधुबाला निर्माता भी बन गई। उन्होंने 3 फिल्मों का निर्माण किया। वो थी नाता जो 1955 में आई, 1960 की महलों के ख्वाब और पठान फिल्म थी 1962 की फिल्म। आगे चलकर लाखों दिलों की मुस्कान और जिंदगी में कई आयाम हासिल करने वाली मधुबाला किसी और की शर्मीली मुस्कान में गिरफ्त हो गई, और वो मुस्कान थी दिलीप कुमार की। सुनहरे पर्दे की ऐसी जोड़ी जिन्होंने पर्दे पर सलीम और अनारकली के किरदार को जीवंत कर दिया। इन दोनों ने ऐसा किरदार निभाया था कि कहीं भी अगर जन्नत में सलीम और अनारकली होंगे तो वो भी हैरान हो गए होंगे इनके अभिनय की प्रतिभा को देखकर। बात फिल्म तराना की करते हैं। उसी फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई। शूटिंग के सिलसिले इतने हुए कि मिलना जुलना और बातें करना शुरू हुआ। मधुबाला को पता भी नहीं चला कि कब वो दिलीप कुमार की उस शर्मीली मुस्कान की गिरफ्त में आ चुकी हैं। इश्क में गिरफ्तार मधुबाला ने एक दिन गुलाब का एक फूल दिलीप कुमार को भिजवा दिया और साथ लिख दिया, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इन गुलाबों को कबूल फरमाइएगा। क्या हो गया? मरते मरते बड़े। इसके बाद दिलीप कुमार ने अपनी शर्मीली मुस्कान में इश्क की रजामंदी दे दी। अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर वो अक्सर पहुंच जाते थे मधुबाला की शूटिंग्स में। बॉलीवुड के गलियारों में इनके प्रेम की हवाएं चलने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। के आसिफ की मुगले आजम भले ही रिलीज हुई 1960 में, लेकिन उसकी शूटिंग 1950 के दशक से ही शुरू हो चुकी थी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के मुताबिक मधुबाला और दिलीप कुमार की सगाई भी हो चुकी थी, और दिलीप कुमार की बड़ी बहन सकीना आपा मधुबाला के घर रस्मी तौर पर चुनरी लेकर भी पहुंची थी। पर एक दिन सब सही होते होते बात बिगड़ गई। इतने दिन से फरियाद कर रहे थे मुझसे, चोर डके कहेंगे। हुआ यूं कि सन 1956 में निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर की प्लानिंग की थी। फिल्म बनने वाली थी। दिलीप कुमार के साथ मधुबाला को भी कास्ट किया गया। शुरुआत बहुत अच्छी साबित हुई। फिल्म शूट होना शुरू हुई। 10 दिन की शूटिंग मजे मजे में हो गई। फिर बात आई आउटडोर शूटिंग की, जो होनी थी भोपाल के पास बुधनी कस्बे में, जहां पर 2 महीने चलनी थी ये शूटिंग। लेकिन बीआर चोपड़ा की इस आउटडोर शूटिंग से अत्ताउल्ला खां सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि शूटिंग तो बॉम्बे में भी की जा सकती है। गुस्से में आकर चोपड़ा साहब ने मधुबाला की जगह वैजयंती माला को फिल्म में साइन कर लिया और मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया। दिलीप कुमार इस पूरे मामले में बीआर चोपड़ा साहब के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि दिलीप कुमार को भी लगता था कि अत्ताउल्ला खां अपनी जिद की वजह से मधुबाला को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और ये बात जग जाहिर थी कि मधुबाला को कभी किसी सार्वजनिक कार्यों में, किसी भी फिल्म के प्रीमियर में भाग लेने की इजाज़त नहीं दे रखी थी अत्ताउल्ला खां ने। वो मधुबाला के सेट पर हमेशा मौजूद रहा करते थे,
और यही बात दिलीप कुमार को पसंद नहीं आती थी और शायद इसी वजह से दिलीप कुमार बीआर चोपड़ा के साथ खड़े हो गए। और वहीं मधुबाला के परिवार वालों का कहना था कि मधुबाला बीमार रहने लगी थी, दिल में छेद होने की वजह से इस बात को दुनिया के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी छुपाया हुआ था। आउटडोर में जाने से मधुबाला की तबीयत बिगड़ सकती थी, इसीलिए अताउल्लाह खान ने मना किया था। पर बात इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई। चोपड़ा साहब ने वैजयंती माला को लेकर फिल्म का ऐलान एक अखबारी इश्तेहार के जरिए कर दिया। इस इश्तेहार में मधुबाला पर एक कट का निशान लगा दिया और उसकी जगह वैजयंती माला की फोटो छपवा दी। अताउल्लाह खान का भी खून खौल उठा उस इश्तेहार को देखकर। जवाब में उन्होंने इश्तेहार दे दिया जिसमें मधुबाला की तमाम फिल्मों के नाम देकर आखिर में नया दौर पर वैसा ही कट का निशान लगा दिया। और इतना ही नहीं, खान साहब ने अदालत में फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए केस भी दायर कर दिया। बीआर चोपड़ा ने साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए गए 30,000 रुपए की वापसी के लिए भी केस लगा दिया उल्टा मधुबाला पर। योर ऑनर, मैं अपने मुकदमे की खुद पैरवी करने की इजाजत चाहती हूँ। अदालत आपका हक मानती। और बात जब कोर्ट में पहुंची तो दिलीप कुमार ने बीआर चोपड़ा का साथ दिया। दिलीप कुमार से सारे सवालों के साथ ये भी पूछा गया क्या वो मधुबाला से प्यार करते हैं। सवाल का पूछना भी लाजमी था क्योंकि उस समय हर कोई इन दोनों के प्यार से वाकिफ था। मजिस्ट्रेट आरएस पारेख की अदालत में सबके सामने दिलीप कुमार ने कहा, हाँ मैं मधुबाला से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। पर यह सबसे बड़ी बदकिस्मती रही कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच कोई झगड़ा न होते हुए भी उनकी राहें अलग हो गई। 7 साल का गहरा प्यार कुछ ही दिनों में यूं बिखर जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के अनुसार निर्देशकों और फिल्म के दिग्गज लोगों द्वारा बीआर चोपड़ा और अताउल्लाह खान में सुलह करवा दी गई थी। पर मधुबाला को इस बात से बहुत बड़ा दुख लगा था कि दिलीप कुमार ने उनके पिता का साथ न देकर किसी और का साथ दिया। मधुबाला ने दिलीप कुमार से कहा भी था कि वो उनके पिता से अगर सॉरी बोल दें और गले लगा लें तो बात बन सकती है। मधुबाला ने कहा, ये सिर्फ घर पर ही करना है, पर ऐसा करने के लिए भी दिलीप कुमार राजी नहीं हुए। और महज एक सॉरी शब्द ना बोलने के कारण उनमें इतनी बड़ी दूरी बन गई जो कभी मिट नहीं पाई। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो। कई लोगों का ये भी कहना था कि अताउल्लाह खान मधुबाला की शादी नहीं करना चाहते थे, पर जरा सोचिए अगर ऐसा होता तो मधुबाला के पिता कमाल अमरोही के लिए भी कभी हाँ नहीं कहते। दिलीप कुमार और अताउल्लाह खान की ऐसी नासमझी और ना दिखने वाली जंग ने इनके रिश्तों में जंग लगा कर रख दी। दिलीप कुमार ने मधुबाला को ये तक कह दिया था कि अगर वो अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर दे तो वो उनसे निकाह कर लेंगे। मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। दिलीप कुमार का ये भी कहना था कि अताउल्लाह खान ने खुद की एक फिल्म कंपनी बना ली थी और वो इन दोनों की शादी भी करवाना चाहते थे, और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि ये दोनों सिर्फ उनकी फिल्म कंपनी में ही काम करे। पर दिलीप कुमार को ये सौदा पसंद नहीं था। मधुबाला के लिए दिलीप कुमार ने कहा था कि वो एक आज्ञाकारी बेटी है, बहुत फेम है, बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा है, पर इसके बावजूद वो अपने पिता के अंडर में काम करती है। सबसे बड़ी कमी इनकी ये है कि ये अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकती। और दूसरी तरफ मधुबाला को भी दिलीप कुमार के प्यार के आगे अपने पिता का दुलार ज्यादा पसंद था। वो मानती थी कि आज वो जो कुछ भी है वो अपने पिता की वजह से ही है, और इसीलिए उन्होंने अपने पिता की इज्जत की खातिर अपने प्यार को छोड़ दिया। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग होते होते इनके बीच इतनी दूरियां हो गई थी कि साथ काम करते करते भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। आपस में दुआ सलाम भी बंद हो चुका था। दिलीप कुमार ने भी अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया था कि हम मुगले आजम के लिए पर्दे पर अमर प्रेम निभा रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में हमारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। मुगले आजम के एक रोमांटिक सीन को तो ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक फिल्म सीन्स में गिना जाता है, जब सलीम की गोद में अनारकली सिर रख कर लेटी है और उस्ताद तानसेन का आलाप चल रहा है और सलीम अनारकली के चेहरे पर पंख घुमा रहा है। पर असल जिंदगी में उस वक्त बात तो छोड़िए, हम रस्मी दुआ सलाम भी नहीं किया करते थे। 50 के दशक में ही मधुबाला की बीमारी का भी पता चल गया था
उनके परिवार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ये बात इसीलिए छुपाई गई थी क्योंकि मधुबाला उस वक्त काफ़ी फिल्में कर रही थी। अगर ये बात बाहर निकलती कि मधुबाला के दिल में छेद है तो मधुबाला के करियर को विराम लग जाता, कई निर्माता निर्देशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी मधुबाला की तबीयत खराब रहा करती थी, पर उन्होंने इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मधुबाला अपनी नफासत और नज़ाकत को कायम रखने के लिए उबले पानी के सिवा कुछ भी नहीं पिया करती थी। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला को कुएं और पोखर का गंदा पानी तक पीना पड़ा। यही नहीं, मधुबाला बनी अनारकली पर असली लोहे की जंजीरें लाद दी गई थीं ताकि सीन ओरिजिनल लगे। बीमारी की वजह से ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी मधुबाला को, उनकी जगह जगह से स्किन भी छिल गई थी, पर वो हमेशा यही कहती थी, मैं तकलीफ में हूँ तो सहन कर जाऊँगी, पर अनारकली बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के एक सीन में सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है। दिलीप कुमार ने सलीम बनकर मधुबाला को ऐसा करारा तमाचा मारा था कि सेट पर मौजूद तमाम लोग हिल गए थे। मधुबाला को भी अपने होश संभालने में वक्त लग गया था। रियल लाइफ के सलीम के अधूरे प्यार की ये ऐसी हार थी जिससे उन्हें खुद ही होश नहीं रहा और असल में उन्होंने मधुबाला को थप्पड़ मार दिया। उम्मीद काश तुमसे मोहब्बत ना होती। 5 अगस्त 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई और मुगले आजम फिल्म ने सफलता के कई आयामों को तोड़ दिया। ये फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस जोड़ी ने तराना के बाद 1952 में संग दिल और 1954 में अमर फिल्म में एक साथ काम किया। मुगले आजम फिल्म की कामयाबी के बाद मधुबाला की फिल्म आई बरसात की रात। इस फिल्म में इनके साथ थे भारत भूषण। 1960 में दोनों फिल्मों की कामयाबी की वजह से मधुबाला का फिल्मी करियर आसमान की बुलंदियों तक जा पहुंचा। एक थुमना साथ जरूर है उनका, जितनी खूबसूरत शायरी है उनकी उससे भी कहीं ज्यादा। इनकी जिंदगी में आए अभिनेता और गायक किशोर कुमार। फिल्म महलों के ख्वाब की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार और मधुबाला की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों ने ढाके की मलमल, हाफ टिकट, झुमरू, चलती का नाम गाड़ी, कई फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार मधुबाला को बहुत हंसाया करते थे। किशोर कुमार की शरारतें, उनके चुटकुले मधुबाला को दिल खोल कर हंसने पर मजबूर कर देते थे और ऐसे में तीन तीन लोगों के प्रस्ताव आ गए अब शादी के लिए। मधुबाला को तीन लोगों ने प्रस्ताव दिए जिनमें भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार के नाम थे। मधुबाला ने अपनी दोस्त नरगिस से संपर्क किया और उनसे बात की, लेकिन नरगिस ने नाम सुझाया भारत भूषण का। पर किशोर कुमार मधुबाला का ध्यान अपने प्रति दिलवाने में कामयाब हो रहे थे। किशोर कुमार मधुबाला के साथ किसी भी फिल्म में काम करने को तैयार थे, बेकरार थे, ताकि उनको मधुबाला के करीब आने का मौका मिल सके। यही नहीं, 1959 में मधुबाला जाग उठा इंसान में सुनील दत्त के साथ भी नजर आई थी। ये शक्ति सामंता की फिल्म थी। शक्ति सामंता इस जोड़ी को लेकर एक और फिल्म बनाना चाहते थे। जब ये बात किशोर कुमार को पता चली तो वो जिद करने लगे कि मधुबाला के अपोजिट तो मुझे ही लिया जाए, यानी किशोर कुमार को। शक्ति सामंता ने समझाया कि ये रोल आपके लायक नहीं है, पर किशोर कुमार नहीं माने। इसके बाद फिर शक्ति सामंता ने किशोर कुमार और मधुबाला को लेकर नॉटी बॉय नाम की फिल्म की घोषणा कर डाली। किशोर कुमार की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। ओ मुन्ना, वो तो पागल, अब वो लड़का ही क्या जो लड़की के लिए पागल ना हो। यहाँ तक कि किशोर कुमार ने मधुबाला को शादी करने के लिए मनाया तो कैसे। टेबल फैन के आगे हाथ करते हुए किशोर कुमार बोले, तुम मुझसे शादी के लिए अगर ना करोगी तो मैं अपना हाथ काट लूंगा। किशोर कुमार मधुबाला का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगा। अब मधुबाला को भी किशोर कुमार की दीवानगी पर यकीन होने लगा। शक्ति सामंता की फिल्म नॉटी बॉय की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 2-4 दिनों की शूटिंग के बाद ही मधुबाला ज्यादा बीमार होती चली गई। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दे दी। मधुबाला को अपना ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन जाना था, लेकिन उससे पहले वो शादी करना चाहती थी। मधुबाला ने अपने एक रिश्तेदार से भी ये जिक्र किया था कि वो शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहती है,
और जब मधुबाला की बीमारी का किशोर कुमार को पता चला और उन्हें मालूम चला कि वो ज्यादा परेशान है और लंदन जाने से पहले शादी करना चाहती हैं, तो वो मधुबाला से मिलने पहुंचे। लेकिन अताउल्लाह खान ने किशोर कुमार को कहा था कि वो लंदन से आने के बाद ही मधुबाला से शादी करे, पर किशोर कुमार ने मधुबाला की इच्छा पूरी करने के लिए उनसे पहले शादी करने की बात कह डाली और इस तरह मधुबाला और किशोर कुमार ने कोर्ट मैरिज कर ली। गौरतलब ये भी रहा कि किशोर कुमार ने शादी के लिए अपना धर्म तक बदल लिया था और उन्होंने अपना नाम करीम अब्दुल्ला रख लिया था, पर उनकी शादी किशोर कुमार के माता पिता को कभी भी स्वीकार नहीं थी। किशोर कुमार ने उन्हें मनाने की खातिर हिंदी रीति रिवाज से भी शादी की, लेकिन उनके माता पिता नहीं माने क्योंकि उन्हें लगता था कि किशोर कुमार और रूमा देवी के तलाक की वजह मधुबाला ही थी। यही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में भी किसी को भी इनकी शादी पर यकीन नहीं हो रहा था। कहां मधुबाला जैसी सौंदर्य की देवी और कहां मस्त मौला मनमौजी किशोर कुमार, बेमेल शादी नजर आ रही थी। खैर, शादी भी हुई और दोनों लंदन गए, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया क्योंकि उस समय ऐसी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी जो मधुबाला का इलाज कर सके। यहां तक कि डॉक्टर्स ने यह भी कह दिया कि मधुबाला के पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल बचे हैं। इस बात से मधुबाला और किशोर कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा। शादी के बाद मधुबाला की तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। हालांकि इस बीच इनकी पासपोर्ट, झुमरू, बॉयफ्रेंड, हाफ टिकट और शराबी जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। किशोर कुमार ने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया और इसी कारण किशोर कुमार मधुबाला को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे और मधुबाला को भी वहाँ अब कम अच्छा लगने लगा और अकेलापन खलने लगा। इसीलिए वो अपने घर अरेबियन पैलेस में आकर रहने लगी। किशोर कुमार भी गाहे बगाहे उनसे वहीं आकर मिल लिया करते थे और उनके इलाज का पूरा खर्च भी किशोर कुमार ने उठाया। मधुबाला को बहुत कमी खल रही थी किशोर कुमार की। वो सोचती रहती थी कि पहले हल्की सी तबीयत खराब होती थी तो किशोर कुमार दौड़े चले आते थे, शूटिंग छोड़ देते थे, पर अब कई कई दिनों तक उनके घर का रुख भी नहीं करते थे। मधुबाला किशोर कुमार के साथ रहना चाहती थी पर वो कहते थे, मैं अकेला हूँ, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तुम अभी यहीं रहो, मैं बाद में आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं भी यही समझती थी कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया तुम्हें कैसे बताऊं कि कहाँ चला गया। जिंदगी चलती रही पर कभी हार नहीं मानने वाली मधुबाला भी नहीं रुकी। 1966 में मधुबाला ने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख कर लिया और फिल्म चालाक की शूटिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन मधुबाला शूटिंग के पहले दिन ही बेहोश हो गई और बाद में इस फिल्म को ही बंद करना पड़ गया। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा एक अभिनेत्री के तौर पर उनका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो फिल्मों का निर्देशन करेंगी। उन्होंने 2 फिल्मों का निर्देशन करना शुरू कर दिया, पहली फिल्म फर्ज और दूसरी इश्क। लेकिन बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से ये दोनों ही फिल्में पूरी नहीं कर पाई मधुबाला। मधुबाला अब पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुकी थी। उनकी बहन मधुर भूषण बताती हैं कि उनकी बीमारी के कारण उनके शरीर में खून ज्यादा बनता था। इस वजह से मधुबाला के नाक और मुंह से खून बाहर निकलने लग जाता था। डॉक्टर उनकी बॉडी में से एक्स्ट्रा खून निकालने आया करते थे। धीरे धीरे मधुबाला बहुत कमजोर होती चली गई। ऐसा लगने लगा था कि अब शरीर में सिर्फ हड्डियां और खाल ही बची है। एक दिन शक्ति सामंता उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा मधुबाला मेकअप करवा कर बैठी थी। शक्ति सामंता ने पूछा, मधु तुम्हें मेकअप की जरूरत कब से होने लगी। तब मधुबाला ने दुखी आवाज में कहा, शक्ति आपने मुझे अपने जीवन में सबसे खूबसूरत रूप में देखा है, क्या आप देख सकते हैं कि अब मैं कैसी लगने लगी हूँ। शक्ति सामंता की आंखें बरसने लगी, वो उठकर बाहर चले गए। सौंदर्य की देवी को इतनी कुंठा और अवसाद में वो देख नहीं पाए। वो ऐसी अमीर दिल की मधुबाला के लिए सिर्फ अब दुआ ही कर सकते थे, क्योंकि एक वक्त में जब शक्ति सामंता आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तब मधुबाला ने फिल्म हावड़ा ब्रिज के लिए उनसे 1 पैसा नहीं लिया था। धीरे धीरे मौत के फरिश्ते उनके घर पर दस्तक देने आने लगे, जिसकी आहट अब मधुबाला के साथ सबको सुनाई देने लगी। मधुबाला जहां अपनी बीमारी में धसती चली जा रही थी, वहीं वो अपने बिगड़ते रूप से भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी।
मधुबाला, जिसका मतलब ही खूबसूरती था, अब वो खुद को आईने में देखकर डरने लगी थी। जिंदगी के आखिरी साल जब उन्होंने बिस्तर पर सोते सोते गुजारे, उसी समय उन्होंने अपने कुछ सोए हुए अरमानों को भी जगा लिया। वो मुझसे बहुत दुखी हैं शीला। उन्होंने दिलीप कुमार को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार ने कहा, वो मरना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वो ठीक हो जाएंगी तो क्या मैं उनके साथ फिल्म में काम करूंगा। मैंने उनसे कहा, तुम जरूर ठीक हो जाओगी, तुम ठीक ही हो। मैंने उनको यकीन दिलाया और वादा किया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिल्म जरूर करूंगा। लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हो सका। दिलीप कुमार को देखकर बहुत दिनों बाद मधुबाला के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई थी और उन्होंने दिलीप कुमार को कहा था, हमारे शहजादे को आखिरकार शहजादी मिल ही गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मधुबाला की हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि उनका सांस लेना भी अब दुभर होने लगा था। उन्हें हर 4 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। मधुबाला आखिरी समय में अपनी बहन से कहा करती थी, जब काम की समझ आई तो ऊपर वाले ने कहा बस। वार था शुक्रवार, तारीख 21 फरवरी सन 1969। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तब किशोर कुमार वहां रुकने के लिए आ गए, पर मधुबाला ने कहा, रुक सको तो रुक जाओ, मगर काम का हर्ज मत करना, जरूरी हो तो चले जाना। किशोर कुमार उस रात वहीं रुक गए, पर अगले दिन जब उन्हें तबीयत ठीक लगी तो वो वहां से रवाना हो गए। लेकिन खान साहब ने कहा, किशोर टेलीफोन पास रखना, कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला भेजूंगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 22 फरवरी शनिवार की आधी रात तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो किशोर कुमार को वापस बांद्रा आना पड़ा। खान साहब खुदा को याद कर रहे थे। तब ऐसे में मधुबाला ने कह दिया कि मुझे शांति से मरने दीजिए। और फिर 15 मिनट बाद 9:20 का वक्त था। 23 फरवरी सन 1969 की वो तारीख थी जिस दिन मधुबाला, करोड़ों दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान की मर्लिन मुनरो, अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं से हर दिल में खास पहचान बनाने वाली सौंदर्य की देवी, भोर का तारा वीनस, हमेशा के लिए अस्त हो गया और मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गई। जिस वक्त मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में अपनी फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जब तक दिलीप कुमार शूटिंग से मधुबाला के घर तक पहुंच पाते, तब तक सांता क्रूज मुंबई की जुहू मुस्लिम सेमेट्री में दफना दिया गया। वो उनकी आखिरी झलक भी नहीं देख पाए। सीधे कब्रिस्तान गए और मधुबाला की कब्र के पास खड़े हो गए और दुआ करते रहे। मधुबाला की मौत के बाद उनके पहले प्यार लतीफ ने भी वो गुलाब का फूल जो हमेशा से संभाल कर रखा था, उसे आकर उनकी कब्र पर चढ़ा दिया। और हर 23 फरवरी को वो आते रहे उस कब्र पर और एक गुलाब का फूल चढ़ाकर जाते थे। अताउल्लाह खां अपनी बेटी की कब्र पर फूट फूट कर रो रहे थे। रोने की वजह मधु का दुनिया से चले जाना ही नहीं था, बल्कि उनके दिल में एक कसक थी। मधु को वो कभी वो खुशियां नहीं दे पाए जिसकी वो हकदार थी। घर परिवार की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं लाई थी। उन्होंने अपने पिता से कभी कोई जिद नहीं की और ना ही कोई बात उनकी टाली। ऐसी आदर्श बेटी का उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज भी उनकी बातों को हम याद करते हैं। और हम ही क्या, वो तो ऐसी पाक दिल थी कि आज तक अंधेरी के गुरुद्वारे में उनके नाम की दुआएं की जाती है। मधुबाला भले ही मुस्लिम परिवार में पैदा हुई, पर गुरु नानक देव की वो बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी श्रद्धा का आलम यह था कि आखिरी समय में भी उनके पर्स में जपू जी साहिब की किताब मौजूद रही थी। फारसी भाषा में लिखे जपू जी साहिब का पाठ तब से करती थी जब वो अपने करियर की बुलंदी पर थी। और उनकी फिल्म निर्माताओं से एक ही शर्त होती थी कि पूरे साल वो कहीं भी शूटिंग करेगी, पर गुरु पर्व पर वो मुंबई के अंधेरी गुरुद्वारे में जरूर मौजूद रहेगी। और इस बात का खुलासा म्यूजिक डायरेक्टर एस महेंद्र ने भी किया था। जब एक दिन किसी फिल्म के सेट पर अगले शॉट की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त खाली वक्त में मधुबाला ने
अपने पर्स में से एक छोटी सी किताब निकाली और सिर ढककर पढ़ने लगी। अगले शॉट में जब उनका बुलावा आया तो वो पर्स और किताब एस महेंद्र को सौंप कर चली गई। जब उन्होंने एक किताब खोलकर देखी तो उसमें फारसी भाषा में जपूजी साहिब लिखा था। जब मधुबाला से महेंद्र ने इस बारे में पूछा तब मधुबाला ने बताया था कि सब कुछ होने के बाद भी जब मैं अंदर से टूट चुकी थी तब एक दिन मेरे जानकार मुझे गुरुद्वारे लेकर गए थे। दर्शन करने के बाद मैंने मेरी परेशानी के बारे में ग्रंथी को बताया था। तब उन्होंने मुझे जपूजी साहिब का पाठ करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे गुरुमुखी नहीं आती थी, इसीलिए मैंने फारसी में लिखी ये किताब मंगवाई। मैं इसे रोज पढ़ती हूँ और मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है। अंधेरी गुरुद्वारे की ग्रंथी बताते हैं कि मधुबाला कई सालों से इस सेवा को कर रही थी। सेवा थी गुरु नानक साहब के जन्मोत्सव पर लंगर सेवा। इसे मधुबाला ने बखूबी निभाया। लंगर में जितना भी खर्च आता था मधुबाला उस खर्च को खुद अपनी जेब से चुकाती थी। उसका चेक वो गुरुद्वारे की कमेटी को दिया करती थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मधुबाला के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी ये सेवा पिता ने 6 साल तक निभाई। पिता का जब देहांत हो गया तब कमेटी ने और वहाँ के श्रद्धालुओं ने यह तय किया कि मधुबाला भले ही इस दुनिया में सशरीर नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा थी इसके लिए गुरुद्वारे में वो हमेशा जीवित रहेगी और उनका ये लंगर हमेशा चलता रहेगा। लिहाजा आज भी हर साल गुरु नानक देव की अरदास में ये बोला जाता है, हे सच्चे बादशाह, आपकी बच्ची मधुबाला की तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों से जोड़े रखना। 22 साल के अपने फिल्मी करियर में मधुबाला ने तकरीबन 74 बेहतरीन फिल्मों में काम किया और ऐसा किया जो आज भी यादगार है। मधुबाला की मौत के बाद सन 1971 में इनकी ज्वाला फिल्म रिलीज हुई थी और ये एकमात्र ऐसी कलर फिल्म है जिसमें मधुबाला नजर आई थी। मधुबाला को इस दुनिया से अलविदा कहे कई दशक बीत गए, लेकिन अपने अनुपम सौंदर्य और अभिनय की बदौलत वो आज भी भारतीय सिनेमा की आइकन है। आज भी भारतीय सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में मधुबाला ने अपनी खूबसूरती की उपस्थिति दर्ज करवा रखी है। मधुबाला की 3 बायोग्राफीज लिखी जा चुकी हैं। बहुत से लेख आज तक प्रकाशित हो रहे हैं। आज भी उनके पोस्टर्स की डिमांड रहती है। वहीं 2007 में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में इनका नाम सबसे टॉप पर था। मधुबाला की यादगार फिल्म मुगले आजम को सन 2004 में डिजिटल रूप में रंगीन करके वापस रिलीज किया गया था और उसके बाद भी ये फिल्म सुपरहिट रही थी। मधुबाला की याद में 18 मार्च सन 2008 को भारतीय डाक ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। 10 अगस्त सन 2017 को मैडम तुसाद के संग्रहालय में मधुबाला को अनारकली बनाकर याद किया गया। वहीं 14 फरवरी सन 2019 को गूगल ने भी उनकी 86वीं जयंती पर गूगल का डूडल बनाकर पेश कर दिया। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने विशेष एक कॉलम बनाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन जहां पूरी दुनिया इन्हें पूज रही है, आज भी याद कर रही है, वहां सन 2010 में इनकी कब्र के साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी को भी पसंद नहीं आया। उनके मकबरे पर मार्बल और शिलालेख के साथ कई कुरान की आयतें लिखी गई थीं, लेकिन नई कब्रों की जगह बनाने के लिए उनकी कब्र को ध्वस्त कर दिया गया। उनके अवशेष किसी और अज्ञात स्थान पर रख दिए गए और मधुबाला के साथ ही मोहम्मद रफ़ी, परवीन बाबी, तलत महमूद, नौशाद अली और साहिर लुधियानवी की भी कब्रें वहां से हट गई। लेकिन 2.5 इंच की जादुई मुस्कान वाली मधुबाला, जिसकी खूबसूरती ऐसी कि फूल भी मात खा जाए, चमक ऐसी कि चंद्रमा भी फीका पड़ जाए, अदाकारी में सबकी मल्लिका, भारतीय सिनेमा का ध्रुव तारा थी और हमेशा रहेगी। अपनी खूबसूरत रोशनी से वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेगी। फैशन आइकन दीवा मधुबाला को ना ही कभी भुलाया जा सकता है और ना ही कभी भूला जा सकता है। बीवी का टीवी सलाम करता है इस सौंदर्य की देवी को जिसने दिल धड़का दिया सभी का। अब इस बायोग्राफी में इतना ही, लेकिन अगली बायोग्राफी में आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे उनके किस्से, उनकी बातें जिन्हें आप दिल से सुनते हैं, जी हाँ, जिनके गीत सुनते हैं आप, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी बायोग्राफी आने वाली है। आप हमारे साथ यूं ही
जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और लोगों तक शेयर करते रहिए। और एक बात और, हमने एक कॉमेडी चैनल शुरू किया है, आपको जानकर अच्छा लगेगा और सुनकर भी अच्छा लगेगा। चाचा चाची के किस्से, यानी चाचा हिंदुस्तानी है और पति पत्नी की नोकझोंक है। ये ऊपर एक लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आप जाएँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सुनें, क्योंकि हंसना भी बहुत ज़रूरी है। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।